हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स के बारे में, उनके करियर्स के बारे में एंड गाइस उनके रेन के बारे में, जो मतलब इतने खास नहीं गए बट उनका करियर बहुत ऊपर गया। एंड गाइस, ये वीडियो मतलब फैक्ट्स के बेस पे होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो एंड तक वॉच करना वीडियो को। तो फर्स्ट ऑल गाइस, एवोल्यूशन फैक्शन, उसके बारे में तो सबने सुना ही होगा गाइस। एवोल्यूशन टॉप ऑफ द फैक्शन थी रूथलेस एग्रेशन एरा की, एंड सबसे बेस्ट फैक्शन थी। बट आप क्या मानोगे, ये एक साल तक भी नहीं चली फैक्शन। तो गाइस, इस फैक्शन का मेन मुद्दा था दो सुपरस्टार को बिल्ड करना, बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन। अब वो था बटिस्टा इस टाइम हॉलीवुड में है, एंड रैंडी ऑर्टन इस टाइम पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में है, टॉप लेवल स्टार में है, एक लेजेंड ही बन चुके हैं। तो गाइस, इस फैक्शन के किसी भी मेंबर ने अंडरटेकर को नहीं हराया। इवन ट्रिपल आई थ्री टाइम आ चुके हैं, रिक फ्लेयर भी हार चुके हैं अंडरटेकर से, इवन गाइस रैंडी ऑर्टन टू टाइम्स एंड बटिस्टा भी हार चुके हैं अंडरटेकर से। तो गाइस, इस फैक्शन में टॉप तो किया लेकिन उन्होंने एक बार भी अंडरटेकर को नहीं हरा पाया। तो गाइस, दिस इज द बिगेस्ट फैक्ट कि एवोल्यूशन के किसी मेंबर ने अंडरटेकर को बीट तक नहीं किया हुआ, लेकिन ये टॉप फैक्शन में गिनी जाती है क्योंकि फैक्शन का मैटर करता है कि उसने कितने टाइम डोमिनेट किया, लाइक ब्लड लाइन, लाइक शील्ड, कितनी खतरनाक फैक्शन हो सकती है, तो उससे मैटर लगता है। क्योंकि बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन को बिल्ट करना था, ट्रिपल एच को भी बिल्ट करना था, तो गाइज इसलिए इसे फैक्शन को बनाया गया, बाद में इस फैक्शन को टूटना था। और गाइज, इस फैक्शन ने रॉक तक को हराया हुआ है, एंड रॉक एंड ऑस्टिन थ्योरी बहुत सी चीज़ें की हुई है। अपने लेवल पर टॉप पे ये फैक्शन थी एंड सबसे बड़ी फैक्शन थी, DX भी फैक्शन बनी थी। तो गाइज, इस फैक्शन का अंत तब हुआ था जब रैंडी ऑर्टन यंगेस्ट वर्ल्ड टाइटल बने थे, एंड उसके बाद उन्हें डीथ्रोन कर दिया गया था, और उसके बाद बटिस्टा ने ट्रिपल एच को हराया था, फिर ये फैक्शन पूरी तरह से टूट गई थी। तो ये गाइज एवोल्यूशन से जानकारी है, मतलब एवोल्यूशन फैक्शन का फैक्ट है। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है जेम्स ऑसवर्ड। तो आपको बताऊंगा, जेम्स ऑसवर्ड एक टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत फेमस थे, इवन AJ स्टाइल के साथ उन्हें मैच भी मिलने वाला था वर्ल्ड टाइटल के लिए, उन्हें जिताने के भी प्लान थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं इसके अभी डिजर्व ही नहीं करता हूँ। गाइस, आपको पता होगा डीन एम्ब्रोस जब होते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो AJ स्टाइल ने डीन एम्ब्रोस को हरा दिया था, लेकिन उसके पास जेम्स ऑसवर्ड आए थे, उन्होंने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सर्वाइवर सीरीज में। लेकिन गाइस, उसके बाद जब जेम्स ऑसवर्ड की फ्यूड चलाई गई थी हमारे AJ स्टाइल के साथ, उन्होंने AJ स्टाइल को हराया भी था एज ए हेल्प ऑफ हमारे डीन एम्ब्रोस, तो बहुत अच्छी फ्यूड बिल्ड की थी, ऑस्कर के साथ भी फ्यूड बिल्ड हुई थी। तो इससे ये चीज़ साबित हुई थी कि जेम्स ऑसवर्ड को वो मिल गया था करियर का पुश। तो गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती भी थी जेम्स ऑसवर्ड को वर्ल्ड टाइटल देना, लेकिन गाइस जेम्स ऑसवर्ड ने खुद मना कर दिया था कि मैं नहीं, इसके मतलब काबिल नहीं हूँ। तो ये गाइस फैक्ट है जेम्स ऑसवर्ड से। तो हमारा गाइस नेक्स्ट फैक्ट है मैट हार्डी और जेफ हार्डी से जुड़ा हुआ। तो गाइस, क्या आप मानोगे, मैट हार्डी एंड जेफ हार्डी ने समर स्लैम में एक भी विक्ट्री नहीं ली हुई। तो गाइस, इन्होंने बीच में भी इनके फाइट हुई थी जब ये हमारे समर स्लैम में थे, WWE में थे, इनका रिटर्न भी हुआ था, लेकिन अब वो AEW में। तो गाइस, इनके मैच विक्ट्रीज तो बहुत ज़्यादा, लेकिन समर स्लैम में एक भी विक्ट्री नहीं ली हुई। एंड ऑल्सो बुकर टी ने बहुत कम विक्ट्रीज ली हुई है हमारे समर स्लैम इवेंट में। तो गाइस, ये फैक्ट्स हैं इनके बारे में कि इन्होंने ऐसी चीज़ें की हुई हैं। जेफ हार्डी, मैट हार्डी जहाँ चले थे, जेफ हार्डी कम चले थे। एंड गाइस, दिस इज अ फैक्ट फॉर द हार्डी टीम। जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट जुड़ा है वो जुड़ा है द अंडरटेकर, डेड मैन अंडरटेकर। तो आपको पता होगा गाइस, अंडरटेकर की ब्रेक करने के लिए मतलब स्ट्रीक पहले हमें एज को बताया गया था, तो एज ने मना कर दिया था। रैंडी ऑर्टन को भी इवन कहा गया था कि अंडरटेकर स्ट्रीक ब्रेक करो, लेकिन मना कर दिया था क्योंकि एज एक टाइम पे पीक पे चल रहे थे। लेकिन एज को मतलब सजेस्ट किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं तोड़ूंगा। तो बाद में जाके गाइस ब्रॉक लेसनर ने ब्रेक की स्ट्रीक, कॉन्करर इन डेड मैन। तो गाइस, ये बेस्ट एवर स्ट्रीक ब्रेक था कि ब्रॉक लेसनर को करेक्टर बिल्ड करना था उस लेवल का, तो उनसे स्ट्रीक ब्रेक करवाई गई। तो गाइस, एज से ही हमारी नेक्स्ट भी मतलब जो है वो एज से ही है। तो एज के जो भी रेन टाइटल हुए आज तक, आपको पता है उन्होंने बहुत सारे टाइटल जीते, लेकिन उनका कोई भी लॉन्गेस्ट 100 डे से ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइटल रेन गया ही नहीं गाइस में। इवन एक ही गया है वर्ल्ड टाइटल के लिए, लेकिन उससे पहले उनका कोई भी टाइटल रेन 100 डे से ऊपर नहीं गया। एंड गाइस, रसलमीनिया भी विन करने के बाद भी उन्होंने मेन इवेंट किए हुए हैं, लेकिन वो जीते कम है, क्रिस जेरिको के टाइम पे भी हार गए थे। इवन गाइस, वो जॉन सिना के टाइम पे भी हार गए थे बिग शो एंड उनका मैच हुआ था। एंड इवन गाइस, रोमन रेंज एंड डैनियल ब्राइन के टाइम पे भी वो हार गए थे। ये गाइस फैक्ट हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।